हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट, और दिस इज लेक्चर नंबर 1 एंड वी विल कवर एक्सरसाइज 4.1। तो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। व्हाट इज डिटरमिनेंट? ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ए आई जे ऑफ द ऑर्डर एन, वी कैन एसोसिएट ए नंबर that number can be real or complex called determinant of the square matrix A where A ij, ij the element of A। एक square matrix के साथ हमें एक number, वो complex number हो सकता है, real number हो सकता है, उसे associate करेंगे तो उसे हम कहेंगे determinant of that matrix। तो डेफिनेशन से आपको ज्यादा क्लियर नहीं होगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उससे हम समझते हैं कि डिटरमिनेंट क्या है। ये एक मैंने यहाँ पे मैट्रिक्स ले ली है और इस मैट्रिक्स में जो एलिमेंट है फर्स्ट रो में ए बी और दूसरे में सी डी है और इसका ऑर्डर 2x2 है। आपने प्रीवियस चैप्टर में आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है, ठीक है, दो रो है, दो कॉलम है, 2x2 मैट्रिक्स है। तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, ये देखिए, डिटरमिनेंट को हम डिनोट करेंगे इस फॉर्म में, ठीक है। और यहां पे ये जो साइन है, ये साइन है मॉडुलस का। जब हम डिटरमिनेंट करेंगे तो हमें ये साइन लगाना है और मैट्रिक्स में आप जो साइन लगाते थे वो लगाते थे स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है जी। तो फिर हम डिटरमिनेंट ए का जो डिटरमिनेंट है उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज रिटन एज ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए बी सी डी, जो है आपका जो फर्स्ट रो में जो एलिमेंट है, सेकंड रो के जो एलिमेंट है वो अब उसमें जो ब्रैकेट है वो स्क्वायर ब्रैकेट की जगह पे आपको ये मॉडुलस का साइन यहाँ पे दिख रहा है और इसे हम डिनोट कर सकते हैं डिटरमिनेंट ए से, या सम टाइम हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं डेल्टा से। तो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ ए गिवन मैट्रिक्स, ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं ऑर्डर वन का। एक मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे और उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, वन है। तो देखिए, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए और उसमें एक ही एलिमेंट है, सो इसका ऑर्डर होगा वन। तो इसका जो डिटरमिनेंट है वो क्या होगा, वो होगा इक्वल टू ए, और मैं इसे लिख सकता हूँ ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू ए, या मैं लिख सकता हूँ ऐसे भी मैं इसे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो गिवन मैट्रिक्स है, ये गिवन मैट्रिक्स है, उसका जो डिटरमिनेंट है वो मेरे पास क्या आ गया, इक्वल टू ए जब आपका ऑर्डर वन है। अब हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे जिसमें मैट्रिक्स का ऑर्डर टू होगा। ये देखिए, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। ए एक मैट्रिक्स है जिसमें टू कॉलम है और टू उसमें रो है, तो ये 2x2 मैट्रिक्स हुई। अब हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का मेथड क्या है कि हमें पहले ए को रिप्रेजेंट करना है ए मॉडुलस से, ठीक है। इसे हम मॉडुलस नहीं पढ़ेंगे, देखने में ये मॉडुलस आ रहा है लेकिन हम इसे पढ़ेंगे ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू, हम ये देखें ए बी सी डी, ठीक है। अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे, अब ध्यान से देखना, क्या हम करेंगे कि ये जो ए और डी है पहले आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्या बन गया जी, ए डी। फिर ये जो सी बी है, यहाँ पे देखिए मैं कलर चेंज कर लेता हूं, ये देखिए ये है सी और बी, फिर आप सी बी को माइनस करेंगे इसके साथ, ये आ गया जी सी बी और ये माइनस करेंगे। फिर से देखें, एक मैट्रिक्स हमें गिवन है जिसका ऑर्डर टू है, हमने इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, डिटरमिनेंट को हम इस फॉर्म में लिखते हैं और यहाँ पे जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो इन दो लाइन के साथ रिप्लेस हो जाएगी।
और ये जो फर्स्ट वाला जो डायगोनल है AD, इसे हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस करेंगे ये जो सेकेंड डायगोनल है CB को मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस सी दिया गया। ठीक है, इस प्रकार हम किसी मैट्रिक्स जो ऑर्डर ऑफ टू है उसे सॉल्व करेंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। ये ले लेते हैं ए, और ये एक मैट्रिक्स है जी 2 4 -1 2। ठीक है जी, तो इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट क्या होगा जी, ए जो मैट्रिक्स है उसे हम ए डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख देंगे, और यहाँ पे जो एलिमेंट्स है वो भी इस फॉर्म में हम लिख देंगे, और ये बन गए 2 by 2 डिटरमिनेंट। अब हमने इसे सॉल्व करना है, तो हमने क्या किया, ए डी मतलब ये जो फर्स्ट रो का एलिमेंट है और ये जो डायगोनल, ये जो सेकंड रो का जो ये सेकंड एलिमेंट है उसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, बट डायगोनली मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इसे हम डायगोनली मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या आएगा जी 2 × 2। फिर हम माइनस करेंगे और जो सी और बी है उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे सी जो है वो आपके पास -1 है और ये कितना 4 है, तो आप इसे मल्टीप्लाई करके देखें, ये आ गया 2 × 2 = 4, ये +4, और इस गिवन एग्जाम्पल का हमारे पास जो डिटरमिनेंट आया है वो कितना है 8। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था कि वी एसोसिएट ए नंबर दैट कैन बी रियल आर कॉम्प्लेक्स विद द गिवन मैट्रिक्स, तो यहाँ पे ये देखिए 8 आपके पास रियल नंबर है, तो दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का। ठीक है, तो आपको शायद समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखिए जी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 by 3। अब हमारे पास ऑर्डर कितना हो गया मैट्रिक्स का 3 by 3, और हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो हमने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कैसे करना है, आप जब भी 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे तो आपने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को आपने एक्सपेंड करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने वे हैं, वी हैव 6 वे। कैसे, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2 दैट इज रो 2, एंड दिस इज रो 3, दिस इज कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, एंड दिस इज कॉलम 3। तो मैंने कहा कि जब आपने 3 by 3 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हमने किसी एक रो या किसी एक कॉलम को हमने एक्सपेंड करना है, तो यहाँ पे 3 रो है तो आप 3 रो को एक्सपेंड कर सकते हैं, 3 कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं, तो इसलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 6 वे हैं सॉल्व करने। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा बाई टेकिंग द एक्सटेंशन ऑफ फर्स्ट रो, हमें फर्स्ट रो को एक्सपेंड करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा। ठीक है जी, तो हमारा पहला स्टेप क्या आएगा देखिए जी, स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 क्या होगा कि हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट रो बेटा, ठीक है, हमने इसे एक्सपेंड करना, तो हम सबसे पहले 1 को एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, तो जब 1 को एक्सपेंड करेंगे, 1 का रो और 1 का कॉलम हमने लीव कर देना है, उसके छोड़ देना है, तो मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया कि इस 1 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ, -1 power 1 + 1, और ये वाला रो और ये वाला कॉलम आपका छूट जाएगा, तो यहाँ पे आपके पास 2 by 2 डिटरमिनेंट बनेंगी 3010, ये आ गई, इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये -1 की पावर 1 + 1 कहाँ से आया, ये देखिए -1 की पावर m + n, यहाँ पे जो m है ये है रो और n यहाँ पे क्या है कॉलम। अब यहाँ पे 1 + 1 लिखा है, तो ये जो 1 को हमने एक्सपेंड किया है तो 1 का रो नंबर कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आया, और 1 का कॉलम नंबर कितना है 1 है, इसलिए यहाँ पे 1 आया। इज इट क्लियर, ठीक है जी। सेकंड स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई 2। अब सेकंड जो नंबर है आपके पास यहाँ पे, सेकंड नंबर क्या है, सेकंड नंबर हमारे पास है 2,
हमने टू को एक्सपेंड करना है, तो टू का जो रो है वो नहीं आएगा और टू का कॉलम नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास -1 0 और 4 और 0, ये आ गई -1 0 4 0, ये डिटरमिनेंट बन जाएगी 2 बाई 2। और आपने मल्टीप्लाई करना है 2 को -1 की पावर 1 प्लस 2। यहाँ पे ये कैसे आ गया, मैंने कहा कि ये जो फर्स्ट पावर है दैट इज m नंबर फॉर रो। अब जो टू एलिमेंट है उसका नंबर फॉर रो कितना है, 1, तो हमने यहाँ इसकी वैल्यू कितनी लिखी, 1। और इसका कॉलम नंबर कितना है, कॉलम नंबर है 2, यह नीचे देखिए C2, तो n की जगह पे कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है। दिस इज योर सेकेंड स्टेप, आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं साथ साथ में, हम इसे सॉल्व कर देते हैं। ये आगे देख कितना आ गया, ये 1 है और मल्टीप्लाई -1 की पावर 1 प्लस 1 दैट इज अगेन 1। और इसे हमने कैसे सॉल्व करना है, अभी मैंने पीछे दिखा आपको बताया कि हमने डायगोनली पहले 3 और 0 को मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस लिखना है और फिर 1 और 0 को मल्टीप्लाई करके माइनस कर देना है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ सेकंड पार्ट, यहाँ पे क्या है, 2, सबसे पहले 2 आ जाएगा, फिर आपने -1 की पावर 1 प्लस 2 लिखा है, तो ये कितना आ गया बेटा, 3 आ गया। तो -1 की पावर 3 का मतलब है यहाँ पे -1 आएगा, और इसे सॉल्व करके क्या आएगा, डिटर्मिनेंट को -1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 0, ये ऐसे डायगोनली, और 4 जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये भी 0 और माइनस कर देंगे। स्टेप नंबर 3, अब हमने एक्सपेंड करना है एलिमेंट 4। हम क्या कर रहे हैं, हम इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हैं, और डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए हम फर्स्ट रो को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो हमने पहले 1 को एक्सपेंड कर लिया, फिर 2 को एक्सपेंड कर लिया, अब हम थर्ड स्टेप में 4 को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो 4 मेरे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई वाई -1 की पावर 1 प्लस 3, कैसे, इस 4 का जो रो नंबर है वो है 1, इसलिए 1 आया, इसका कॉलम नंबर 3 है तो यहाँ पे 3 आया, और ये वाला रो, दिस रो और दिस कॉलम, C3 और R1 आपका डिलीट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा -1 3 4 1, ये आएगा -1 3 4 1। इसे आप सॉल्व कर लें, तो सॉल्व करके आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये है जी 4 मल्टीप्लाई -1 की पावर 4 दैट इज पॉजिटिव, आप छोड़ सकते हैं इसे, और इसे आपने मल्टीप्लाई करना -1 को 1 से किया दैट इज -1, अगेन आपने माइनस करना है 4 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ये आ गया जी 12, ठीक है। और इसे आप आगे लिख सकते हैं -13 और दिस इज -52। अब हमने फर्स्ट रो के तीनों एलिमेंट एक्सपेंड कर लिए, अब हमने क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो मेरे पास जो है फाइनल जो डिटरमिनेंट है, ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा, जो फर्स्ट पार्ट आपने यहाँ पे एक्सपेंड किया, तो ये देखिए 1 × 1 − 0 − 0 दैट इज आपके पास आंसर आ गया 0। प्लस सेकेंड जो पार्ट हमने किया 2 − 1 दैट इज -2 और 0 फिर मल्टीप्लाई करेंगे अगेन बेटा 0। थर्ड स्टेप में हमारे पास आया -52, तो आप इन सबको सॉल्व करें और आंसर आ गया -52। दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 3 बाई 3। तो चलें नेक्स्ट चलते हैं, कुछ टर्म्स हैं जिनको आपने रिमेंबर रखना है इनको सॉल्व करने के लिए। पहला क्या है कि एक्सपेंड द डिटरमिनेंट अलोंग दैट रो और कॉलम विच कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ 0। आपको 3 बाई 3 एक मैट्रिक्स आ गई, आपने उसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, तो हमने वो वाली रो या कॉलम चूज करनी है, क्योंकि जब हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो हमने किसी एक रो को एक्सपेंड करना है, तो हमने ऐसी रो या कॉलम को चूज करना है जिसमें मैक्सिमम 0 होंगे, ठीक है। सेकंड क्या है, वाइल एक्सपेंडिंग इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाई बाई -1 पावर i + j वी कैन मल्टीप्लाई बाई +1 और -1 अकॉर्डिंग टू i + j इज इवन आर ऑड। क्या बोल रहा है, पीछे हमने ये फॉर्मूला लिखा था -1 की पावर m + n,
तो आप इसे -1 की पावर i प्लस j भी लिख सकते हैं। अब क्या कह रहे हैं कि आप ऐसे लिखने की बजाय आप क्या करें, अगर इनकी पावर जो है वो इवन है तो हम बेटा यूज करेंगे प्लस, और अगर इनकी पावर ऑड है तो हम यूज करेंगे माइनस। थर्ड क्या है, कहता है इफ ए इज इक्वल टू के मल्टीप्लाई बी वेयर ए एंड बी आर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के पावर एन इंटू बी डिटरमिनेंट। ठीक है, तो वेयर एन क्या है, 1 2 3, मतलब जो यहाँ पे ए मैट्रिक्स है वो 1 ऑर्डर हो सकता है उसका, 2 ऑर्डर हो सकता है या 3 ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, तो चलिए इसके ऊपर हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर इस थर्ड वाले जो हमारे पास यहाँ पे रिजल्ट है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास ए और बी है, क्या मैं ए को ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से लिखना जी, ये मेरे पास ए है 2 2 4 0। ठीक है, जो रो है फर्स्ट, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, यहाँ 2 कॉमन आ सकता है, तो क्या मैं ऐसे 2 कॉमन लिख के ऐसे लिख सकता हूँ 1 1 2 0। आपने मैट्रिक्स वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जब हम किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो मल्टीप्लाई करता है हर एक एलिमेंट के साथ, और स्केलर एलिमेंट इज मल्टीप्लाइड बाय ईच एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो मैंने यहां से कॉमन ले लिया, और क्या मैं इसे 2 इंटू v लिख सकता हूँ, v मैट्रिक्स क्या मेरे पास 1 1 2 0, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया कि ए जो मैट्रिक्स है वो 2 टाइम v मैट्रिक्स है। ठीक है, अब हमने इनका डिटरमिनेंट फाइंड करना है, क्या डिटरमिनेंट जब फाइंड करेंगे तब भी मेरे पास ये 2 ही मल्टीप्लाई करके आएगा, देखते हैं। तो ए डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे ए के जो एलिमेंट है वो लिखते हैं 2 2 4 0। ठीक है, इसे हमें सॉल्व करना है, सॉल्व क्या करना, डायगोनली 2 और 0 को करेंगे, 0 आ गया, और -4 इन 2 दैट इज -8, दिस इज -8। ठीक है, ओके, सिमिलरली हम वी का डिटरमिनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो वी हमारे पास क्या है बेटा, 1 1 2 0, और ये अगर 1 और 0 दैट इज 0 2 1 दैट इज -2। ठीक है, अब क्या मैं ए डिटरमिनेंट को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए, 4 इंटू -2, क्योंकि ये कितना है -8 है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 इंटू मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -2, और क्या मैं इसे फर्दर 4 इंटू b में डिटरमिनेंट लिख सकता हूँ, क्योंकि b डिटरमिनेंट कितना है -2, और -2 को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया, तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ गया, मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आया, ये देखिए कि a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 4 इंटू b डिटरमिनेंट, और फर्दर मैं इसे रीराइट कर सकता हूँ 2 पावर 2 इंटू b डिटरमिनेंट। अब यही हमारा यहाँ पे रिजल्ट था, क्या रिजल्ट था कि इफ a इज इक्वल टू k इंटू v, ये देखो इफ a इज इक्वल टू 2 इंटू b, k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 2, जब हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे तो ये जो k है उसकी पावर n हो जाएगी, n मतलब n यहाँ पे ऑर्डर है, तो इस मैट्रिक्स में a और b का जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर कितना है 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 2 की पावर 2 आ गया, मतलब जो पावर है यहाँ पे, अब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं a डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 की पावर k, क्योंकि k यहाँ पे कितना है 2, और ये क्या है ऑर्डर है, और ऑर्डर यहाँ पे a और b का कितना है 2 है। तो ठीक है, ये रिजल्ट आपको समझ आ गया होगा, तो चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं हम, क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लिखते हैं, 2 क्वेश्चन लिए मैंने यहाँ पे, हमने इसको एवेल्यूएट करना है, तो जल्दी जल्दी एवेल्यूएट कर लेते हैं, ये मेरे पास ये आ गया 2 4 -5 -1, हमने इसे एवेल्यूएट करना है, तो क्या तरीका है, आपने 2 और -1 को मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने माइनस लगाना है, और ये जो डायगोनल है ये वाला डायगोनल इसे हमने मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ गया -5 इंटू 4, और मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा जी, -2 प्लस 20, और ये आ गया जी 18। ठीक है जी, तो ये मेरे पास रिजल्ट आ गया 18। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट देखिए क्या है, x² - x+1 और x-1, और ये है जी x+1
और एक्स प्लस वन, हमने इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या है, क्या मेथड हमारे पास कि हमने इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ गया मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इंटू का मतलब मल्टीप्लाई, आगे माइनस, फिर हमने इन दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ गया जी मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। तो आप इसे सॉल्व कर लें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन एक्स प्लस वन, हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आपको फार्मूला याद हो, ये देखिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है बेटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, तो यहाँ पे ये फार्मूला बनता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो मेरे पास यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस वन, क्योंकि वन का क्यूब वन ही रहेगा। आगे आ गया माइनस, और एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन ये होता है जी एक्स स्क्वायर माइनस वन, ब्रैकेट में लेंगे से और आप इसे ओपन कर दें, एक्स क्यू प्लस वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, और ये रिजल्ट आ गया जी एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है जी, तो चेक कर लेते हैं, यही आंसर है एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू, यही आंसर है। तो अब आपको समझ आ गया कि हमने 2y2 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है और 3y3 डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करना है। चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ है, फर्स्ट पार्ट है, हमने एवेल्यूट करना है। तो अब हमें इसे एवेल्यूट करना है, तो हमने क्या करना है, किसी एक रो या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन जो हमने पीछे रिजल्ट किए थे, जो याद करने के लिए मैंने कहा, उसमें पहला रिजल्ट क्या था कि आपने एक ऐसी रो या कॉलम को एक्सपेंड करना है विच हैव मोर जीरो। अब देखो ये मेरे पास सेकंड रो है और इस सेकंड रो में मेरे पास कितनी जीरो हैं, दो जीरो हैं, तो हम क्या करेंगे, इस सेकंड रो को एक्सपेंड करेंगे और ये हमारे पास डिटरमिनेंट आ जाएगा। तो चलिए करते हैं इसे एक्सपेंड। तो हमारे पास पहला क्या है, हमने जीरो को यहाँ पे एक्सपेंड करना है, तो जीरो को एक्सपेंड करें तो जीरो को मल्टीप्लाई करना है, जीरो वाला कॉलम नहीं आएगा और जीरो वाला रो नहीं आएगा, तो मेरे पास यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस वन, ये वाला गया और ये वाला गया, तो माइनस वन माइनस टू माइनस फाइव जीरो, और यहाँ पे क्या आता है, माइनस वन की पावर आई प्लस जी। तो यहाँ पे देखिए जीरो जो हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं, तो इसमें रो कितना है, टू, और कॉलम कौन सा है, पहला, ठीक है, प्लस सेकंड आपने एलिमेंट एक्सपेंड करना है जीरो। हम यहाँ पे सिर्फ जीरो ही लिखेंगे, हमें साथ वाला जो डिटरमिनेंट से लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, मैंने यहाँ जानबूझ के लिखा फर्स्ट में, देखो यहाँ पे जो भी वैल्यू आए, माइनस वन को जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा, लेकिन माइनस फाइव को माइनस टू से करेंगे तो प्लस टेन आएगा। लेकिन ये जो जीरो है ये इस पूरी टर्म को जीरो बना देता है, इसलिए इसे एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली यहाँ पे अगर आपको जीरो दिखे तो आपने सिंपली क्या करना, वहां पे जीरो लिखना है। सेकेंड रो जो है उसका सेकेंड एलिमेंट जो है वो भी जीरो है, तो हमने सिंपली जीरो लिख देना है। प्लस थर्ड यहाँ पे है माइनस वन, यहाँ पे आ गया जी माइनस वन, और माइनस वन जो है ये कौन सा रो और कौन सा कॉलम है ये हमने यहाँ लिखना, आई दैट इज रो, तो ये रो नंबर टू, कॉलम नंबर थ्री, प्लस थ्री आ गया, और डिटरमिनेंट क्या बन जाएगा कि आपके पास ये वाला, मैं इसे हटा देता हूँ, ये वाला रो और ये वाला कॉलम नहीं आएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, थ्री माइनस वन थ्री माइनस फाइव। इसे आप सॉल्व कर लें, ये जीरो होगा, ये माइनस वन है, ये माइनस वन की पावर फाइव है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसे आपने सॉल्व करना है, तो थ्री मल्टीप्लाई माइनस फाइव माइनस थ्री मल्टीप्लाई माइनस वन, तो कितना बन गया, माइनस फिफ्टीन, और ये बन गया प्लस थ्री, और यहाँ पे आंसर आ गया माइनस ट्वेल्व, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब आपने देखा
कि हमने जब ये जो सेकेंड रो को लिया तो इसमें दो एलिमेंट जीरो थे, तो हमें उसे कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमने उसकी डायरेक्ट वैल्यू जीरो लिख ली और हमें सिर्फ थर्ड एलिमेंट को ही एक्सपेंड करने की जरूरत पड़ी, तो हमारा जो क्वेश्चन है वो आसान हो गया। ठीक है जी, तो चलिए, हाँ इसको आप फर्स्ट रो को भी एक्सटेंड करके कर सकते हैं, सेकंड रो थर्ड रो से भी एक्सटेंड करके कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी आप एक्सटेंड कर ले, तब भी आपके पास जो आंसर है वो -12 ही आएगा। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे। ये क्या क्वेश्चन है जी, हमने वैल्यू फाइंड करनी है एक्स की और हमें गिवन है दो डिटरमिनेंट, दोनों इक्वल है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं दिस इज 2, 4, 5, 1 और इज इक्वल टू, ये है जी 2x 4 6x, तो हमने इसे सॉल्व करना है, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करें, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा 2, -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, सिमिलरली यहाँ पे 2x को x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया जी 2x² माइनस लिखेंगे 6, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 24। ठीक है, तो यहाँ पे है -18, ये -24 आप इस तरफ ले आए, प्लस के 24 हो जाएंगे, ये बन गया जी 2x², यहाँ पे 24 ये बन गया 6, दिस इज 2x², आप यहाँ पे काट दें 3 आ गया, x² इज इक्वल टू 3 है, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें तो x इज इक्वल टू का +/√3। ठीक है जी, तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन के साथ आज की ये जो एक्सरसाइज है 4.1 ये फिनिश हुई, और आई होप कि आपको ये जो डिटरमिनेंट है, हमने फर्स्ट ऑर्डर का फाइंड किया, सेकंड ऑर्डर का फाइंड किया और थर्ड ऑर्डर का फाइंड किया, आपके सिलेबस में थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट फाइंड करने तक ही सिलेबस में है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल।